आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट्स, जिसका नाम है बर्थ, और ये लिखा है एजेंट क्रॉनन ने। तो ये एक पार्ट है, मतलब एक्सर्प्ट है फ्रॉम द बुक द सिटाडेल। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है एंड्रू मैनसन, वो अभी अभी मेडिकल स्कूल से बाहर निकले हैं और उन्होंने जस्ट अभी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करी है एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज। तो एक डॉक्टर है एडवर्ड पेज नाम के, वो उनके असिस्टेंट बने हैं इन अ स्मॉल वेल्च माइनिंग टाउन ऑफ ब्लाइनली। वेल्च का मीनिंग होता है कि बस नाम नाम का माइनिंग टाउन है, अदरवाइज वहाँ पे ज्यादा कुछ होता नहीं है। एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विद क्रिस्टीन, तो एक कैरेक्टर है क्रिस्टीन, उनके साथ वो इवनिंग बता के आ रहे होते हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा नाखुश होते हैं। डिसअपॉइंटिंग मतलब नाखुश करने वाला। द गर्ल ही लव्स, वो लड़की जिनसे वो प्यार करते हैं, ही इज मेट बाय जो मॉर्गन। तो वहां पे वो देखते हैं कि जो मॉर्गन खड़े हैं। जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 इयर्स आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो जो और उनकी वाइफ अपना फर्स्ट चाइल्ड को एक्सपेक्ट कर रही हैं। दो इट वॉज नियरली मिड नाइट वेन एंड्रू रीच्ड ब्रिंगर, ही फाउंड जो मॉर्गन वेटिंग फॉर हिम। तो वो कहते हैं कि इवन दो मिड नाइट हो रहा होता है, मतलब रात के 12 बज रहे होते हैं जब तक वो पहुंचता है ब्रिंगर, तो वहां पे देखते हैं कि जो मॉर्गन बहुत ही रेस्टलेसली वेट कर रहे हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। तो वो घर के सामने बिल्कुल ऐसे तेज तेज चल रहे हैं अपनी एंट्री के जगह तक और फिर क्लोज सर्जरी वाली जगह से, बस ऐसे चल रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। तो जो मॉर्गन है वो बर्ली ड्रिलर है, और उन्होंने जब एंड्रू को देखा तो उनको रिलीफ मिला बहुत, मतलब काफी राहत मिली, राहत मतलब रिलीफ। डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू। तो फिर वो जब जो मॉर्गन उन्हें देखते हैं तो वो बोलते हैं कि आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप फाइनली आ गए। आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर। वो कहते कि मैं चिंता में आगे आजू बाजू ऐसे सामने सामने घूम रहा हूँ एक घंटे से। द मिसेस वॉन्ट्स यू बिफोर टाइम टू। तो वो कहते हैं कि जो मिसेस है, उनकी जो वाइफ है, वो उनको मतलब वो उनका प्रेजेंस चाहती है, मतलब वो चाहती है कि वो जल्दी से आ जाए, और वो उनको पहले भी बुला रही थी, मतलब शी वॉज आस्किंग फॉर यू। एंड्रू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स। तो एंड्रू के दिमाग में, एंड्रू का मूड अभी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि वो अपनी लाइक एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन से आए हैं, तो फिर उनका मूड अच्छा नहीं है अभी। तो फ्रॉम द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ हिज ओन अफेयर्स, कॉन्टेम्पलेशन मतलब कि अपनी खुद की चीज़ों के बारे में सोच रहे थे बहुत ज़्यादा, तो अपने अफेयर्स मतलब उनका खुद का पर्सनल लाइफ, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। टोल्ड मॉर्गन टू वेट। तो वो अभी दिमाग में उनका कुछ कुछ चल रहा है तो वो मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं है, तो वो मॉर्गन को बोलते हैं एक सेकेंड वेट करो। ही वेंट इन टू द हाउस फॉर हिज बैग। तो वो अपने बैग लेने के लिए वापस घर में जाते हैं, एंड देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेन टेरेस। फिर वो लोग ब्लेन टेरेस 12, नंबर 12 उनका घर का एक नंबर होता है, तो उसकी तरफ जाने लगते हैं। द नाइट एयर वाज कूल एंड डीप विद क्वाइट मिस्ट्री। तो रात की जो हवा होती है बहुत ही ज्यादा कूल होती है, और देर इज अ क्वाइट मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है कि कुछ रहस्य होना। यूजली सो परसेप्टिव, एंड्रू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। तो हमेशा जो एंड्रू थे बहुत ही ज्यादा परसेप्टिव होते हैं। परसेप्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान जो हमेशा छोटी छोटी चीजों को नोटिस करे और उसके बारे में कुछ देख के खुश हो या कुछ उसके बारे में सोचे। पर आज के दिन एंड्रू बहुत ही डल फील कर रहे थे, मतलब उदास फील कर रहे थे, और लिस्टलेस मतलब अनएंथुसियास्टिक, मतलब उनके अंदर से कोई ऐसी साइंस नहीं दिख रहे थे कि वो खुश है या कुछ करना चाहते हैं। ही हैड नो प्रेमिनिशन दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल। तो उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था, कोई अंदाजा ही नहीं था। प्रेमिनिशन मतलब कुछ पहले से पता होना, थोड़ा बहुत भी अंदाजा होना, दैट दिस नाइट कॉल वुड प्रूव अनयूजुअल, कि कुछ अलग सा होगा। अनयूजुअल मतलब हटके होना। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस हिज होल फ्यूचर इन ब्लाइनली। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि आज का जो इंसिडेंट होगा वो उनके पूरा फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब उस पर कुछ इफेक्ट लाएगा। द टू मैन वॉक्ड इन साइलेंस अनटिल दे रीच द डोर ऑफ नंबर 12, देन जो ड्रू अप शॉर्ट। तो पूरे रास्ते जो दो लोग चल रहे हैं, जो और एंड्रू, बहुत ही शांति से चुपचाप चल रहे थे, पर फिर जैसे ही वो डोर के पास पहुंचते तो जो रुक जाता है। आई विल नॉट कम इन, ही सेड। जो कहते हैं कि मैं अंदर नहीं आऊंगा, एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, कि वो चिंता में है, ऐसा लग रहा था उनकी आवाज से कि वो बहुत ही चिंतित है। बट मैन आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। पर वो बोलते हैं कि बट मुझे पता है कि आप सब कुछ संभाल लोगे, यू विल डू वेल फॉर अस, मतलब आप अच्छे से सब कुछ देख लोगे। Inside a narrow stair led up to a small bedroom. तो अंदर घर के अंदर जब घुसते तो देखते हैं कि एक नैरो सा स्टेयर है, मतलब पतला सा स्टेयर केस है, तो उसमें ऊपर जाके एक छोटा सा स्मॉल बेडरूम आता है, रूम आता है, जहाँ पे क्लीन फर्निश्ड, पोली फर्निश्ड,
इट वॉज क्लीन, मतलब वहां पे सब कुछ साफ सुथरा तो होता है, बट वहां पे जो फर्नीचर होता है बहुत ही बेकार होता है, पुअर होता है, मतलब अच्छा नहीं होता. एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और अंदर लाइटिंग के लिए सिर्फ एक ऑयल लैम्प होता है, मतलब तेल से जलाने वाला एक लैम्प होता है. हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर, वहाँ पे मिसेस मॉर्गन मतलब जो वाइफ है उनकी, जो की जो वाइफ है वो उनकी मॉम होती है, एक उनकी मॉम होती है वहाँ पे खड़ी, जो बहुत टॉल है, जिनका ग्रे हेयर है, मतलब उनके बाल बिल्कुल ग्रे है, वुमेन ऑफ नियरली 70, तो वो 70 साल की होगी, एंड द स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ. और फिर एक मिडवाइफ होती है, मतलब एक तरह की नर्स होती है, जो स्टाउट है, मतलब बहुत ही ऐसे थोड़ा झुके झुके चलती है, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी है, वेटेड बिसाइड्स द पेशेंट. तो पेशेंट मतलब उनकी जो वाइफ है उनके दोनों तरफ वो लोग खड़े थे, वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशंस एज ही मूव्ड अबाउट द रूम. तो फिर वो सारे के सारे वेट कर रहे हैं, तो फिर एंड्रू को देख रहे हैं कि वो एंड्रू के क्या एक्सप्रेशंस है, वो कैसे कैसे फेसेस मेक कर रहे हैं, जैसे भी वो रिएक्ट कर रहे हैं, सब एंड्रू को देख रहे हैं. लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैक, सेड द फॉर्मर क्विकली अबाउट आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स. तो फिर जो हमारी मिडवाइफ है, मतलब जो हमारी एल्डरली नर्स है, उन्होंने उनको देखा कि वो बहुत ही रेस्टलेस हो रहे, तो वो ऐसे बोलती है कि ठीक है मैं कप बना के लाती हूँ आपके लिए चाय का. फिर एंड्रू स्माइल्ड फेंटली, तो एंड्रू जो है वो ऐसे बस स्माइल करते हैं उनको देख के धीरे से थोड़ा सा. ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन वाइज एंड एक्सपीरियंस, तो वो देखते हैं कि जो हमारी ओल्ड वुमन है, मतलब जो मिडवाइफ है, हमारी नर्स है, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है. तो उनको पता था, रियलाइज्ड दैट देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, तो उनको पता था कि एक थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होगा, क्योंकि अचानक से डिलीवरी नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है. शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस, तो उनको ना डर होता है अंदर से कि ये केस लीव कर देंगे, क्योंकि टाइम लग रहा था. तो फिर वो कुछ ना कुछ उनको बोल रही थी सो दैट वो रुके रहे, एंगेज रहे, सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर. वो ये सोच रही है कि वो बोलेंगे कि मैं बाद में आऊँगा और वो चले जाएंगे. डोंट फ्रेट मदर, आई नॉट रन अवे, तो वो बोलते कि चिंता मत करो मैं नहीं भागूंगा. डाउन इन द किचन ही ड्रांक द टी विच शी गेव हिम, फिर वो नीचे जाते हैं किचन में और फिर चाय पीते जो उनको बना के देती है. Overwrought as he was, मतलब बहुत ही चिंतित थे वो, जैसे वो थे. He knew he could not snatch even a hour's sleep if he went home. तो उन्हें पता होता है कि अगर वो घर जाएंगे तो उनको थोड़ा सा भी स्लीप नहीं मिलेगा. Overwrought मतलब बहुत ही ज़्यादा anxious होना, बहुत ही ज़्यादा चिंतित होना. फिर ही न्यू टू दैट द केस हियर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन, पर साथ के साथ उन्हें पता था कि ये जो केस है उसमें उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा, मतलब बहुत ध्यान देना पड़ेगा. अ क्वेल लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम, तो ये जो एक एक्सप्रेशन होता है अ क्वेल लेथार्जी ऑफ स्पिरिट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उनको अचानक से बहुत ही डल फील हुआ, अनएंथुजियास्टिक फील करने लगे वो, आलसपन आने लगा अंदर से. पर फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो वहीं रुकेंगे जब तक सब कुछ खत्म नहीं होता. ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल देयर वाज एवरीथिंग वाज ओवर. एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, नोटेड द प्रोग्रेस मेड, केम डाउन वंस मोर सैट बाय द किचन फायर. तो जो डॉक्टर है हमारे, वो जाते हैं ऊपर एक घंटे बाद, मतलब अपनी चाय पीने के बाद आराम से वो एक घंटे बाद ऊपर जाते हैं वापस, अपस्टेयर्स चेक करते हैं प्रोग्रेस कि ठीक है उनकी वाइफ का क्या हाल है. फिर वो वापस नीचे आते हैं और अपना किचन फायर के सामने बैठ जाते हैं, वहाँ पे आग जल रही होती है उसके सामने बैठ जाते हैं. इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड स्लो टिकटॉक ऑफ द वॉल क्लॉक. तो वहाँ पर सिर्फ रस्लिंग की आवाज़ आ रही होती है, मतलब वो धीमी धीमी आवाज़ होती है क्रैक करने की सिंडर की, मतलब जो कोल होता है जो जल रहा होता है, बट देन उसमें अब आग नहीं है. इन द ग्रेट मतलब जहाँ पे भी कोयले को रखते हैं वहाँ, द स्लो टिकटॉक ऑफ द वॉल क्लॉक. और फिर जो वॉल क्लॉक में एक टिकटॉक हो रही होती है, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होती है वॉल क्लॉक से, वो चल रहा होता है. बस यही सब सुनाई देता है तब. नो देयर वॉज अनदर साउंड, तो फिर और भी आवाज़ होती है. द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और जो मॉर्गन है वो बाहर स्ट्रीट में बहुत ही चिंतित है और वो बस चल रहा है, तो उसकी फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है. तो ओल्ड वुमन ऑपोजिट हिम सैट इन अ ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशनलेस, तो उनके साथ जो ओल्ड वुमन बैठी होती है वो बिल्कुल ही ऐसे ब्लैक ड्रेस में बैठी होती है, ज़्यादा हिल नहीं रही होती, मोशनलेस मतलब हिल नहीं रही थी. हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज, और उनकी जो आँखें थी बहुत ही ज़्यादा अलाइव लग रही थी, मतलब बहुत ही यंग लग रही थी अंदर से, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हैं, और वो बहुत ही वाइज आंखें लग रही थी कि उनको सब पता है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है लाइफ में. प्रोबिंग नेवर लीविंग हिज फेस, प्रोबिंग मतलब कि उनको इतने ध्यान से देख रही थी वो, कि जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो, प्रोबिंग मतलब ढूंढना. हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड,
तो उनके जो थॉट्स थे वो बहुत ज्यादा हैवी थे, मतलब भारी भारी थॉट्स थे उनके दिमाग में, और सब कुछ बहुत ज्यादा उलझा सा लग रहा था, मडल्ड मतलब उलझा हुआ. द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली. जो एपिसोड हुआ था मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो कार्डिफ स्टेशन में उनके साथ कुछ हुआ होगा, तो वो तभी भी उसी चीज को लेके बहुत ज्यादा दिमाग में वही उनके पास वही चल रहा था, मतलब ऑब्सेस था. ही कुड नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. मॉर्बिडली का मीनिंग होता है मतलब कुछ ऐसा जो उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर सके. ही थॉट ऑफ ब्रामवेल फूलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली. तो वो सोचते हैं एक इंसान के बारे में जिनका नाम होता है ब्रामवेल, उन्होंने अपने आप को बेसिकली पूरा अच्छे से डिवोट कर दिया था, मतलब अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया था एक औरत को, फूलिशली मतलब स्टूपिडिटी के साथ. सॉर्डिडली का मीनिंग होता है कि बहुत ही डर्टी वे में, बहुत ही बुरी तरह. Of Edward Page bound to the shrewish bloodwine of Danny living unhappily apart from his wife. तो I think इसमें ये हुआ है कि जो हमारे character हैं उनको cheat करा गया है उनकी girlfriend के through, मतलब उनकी girlfriend ने उनको basically cheat कर दिया, तो फिर इसलिए वो बहुत upset है. His reason told him that all of these marriages were dismal failures. तो उनकी जो thought process चल रहा था वो ऐसे हर एक चीज़ को reason कर रहे थे, मतलब उसके लिए डिबेट चल रही थी उनके दिमाग में, तो उनको हर बार यही लग रहा था कि जो भी मैरिजेस हैं सबके सब बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी फेलियर्स हैं. तो यहाँ पे डिसमिल का मीनिंग है कि बहुत ही डिप्रेसिंग तरह की फेलियर्स. इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस. तो ये इस तरह का कंक्लूजन था, मतलब ऐसे वो रिजल्ट पे आए कि उस स्टेट पे उन्हें ऐसा लगा, मतलब उन्होंने बेसिकली एक शक्ल बना ली, लाइक उनको इतना अजीब लग रहा था, वो इतना ज़्यादा अनोइंग सा, उनको सब कुछ अजीब साउंड कर रहा था. He wished to consider marriage as an idyllic state. Idyllic state का meaning, मतलब idyllic ऐसा state होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा peaceful होता है इंसान, बहुत ही perfect सा state होगा, ऐसा उन्हें लगता है. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. पर वो उस वक्त ये सब consider भी नहीं कर सकते जब तक वो सोच रहा है Christine के बारे में, क्योंकि अब Christine ने उनको बहुत hurt किया है. Her eyes shining towards him. Admitting no other conclusion. तो जो उनकी आंखें थी वो उनकी तरफ से शाइन कर रही है उनको देख के, तो फिर उनके साथ लाइक और कोई कंक्लूजन नहीं था. इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस हिज लेवल डाउटिंग माइंड. तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उनके आप में अंदर ही अंदर, कि उनके लेवल्स के अंदर, मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत ज़्यादा बड़ा सा, कि वो अपने आप को डाउट कर रहे हैं माइंड में बहुत, और उनका हार्ट बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहा है ऐसे थॉट से, विच लेफ्ट हिम रिजेंटफुल एंड कन्फ्यूज. तो वो रिजेंट कर रहे थे हर एक चीज़ को, मतलब उन्होंने रिग्रेट कर रहे थे. रिजेंट करना मतलब कि रिग्रेट करना उस चीज़ को लेके उदास होना, और वो बहुत कन्फ्यूज थे, मतलब परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें. ही लेट हिज चिन सिंक अप इन टू हिज चेस्ट. तो वो अपना सर झुकाते तो उनका जो चिन है वो अपने चेस्ट के पास जाता है. स्ट्रेच आउट हिज लेग्स और अपने पैर ऐसे स्ट्रेच करते हैं. स्टेड ब्रूडिंगली इन टू द फायर. और वो बस फायर में बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं. ब्रूडिंगली का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा सैड होके, बहुत ही डिप्रेसिंग वे में. ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन ऑपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम. तो मतलब वो इतना ज़्यादा खोए हुए होते हैं, वो ऐसे ही एक जगह से बैठे होते हैं, एक ही चीज़ को देख रहे होते हैं, और उनके जो थॉट्स होते हैं वो उनको इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उनको अपने आप में वो सोचने लग जाते हैं क्रिस्टीन के बारे में, कि वो जो ओल्ड वुमन होती है वो अचानक से उनको एड्रेस करती है, मतलब कुछ उनसे बोलती है. हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. तो उनकी जो मेडिटेशन होती है वो कुछ डिफरेंट कोर्स ले लेती है बेसिकली, कि वो कुछ और करने वाली होती है. वो मतलब अपनी मेडिटेशन छोड़ के उनका बस माइंड डाइवर्ट करना चाहती है, कि मतलब उन्हें दिख रहा है कि वो थोड़े अपसेट है, उनको दिख रहा है कि बंदा डिस्ट्रेस में है, तो फिर वो बताती है उनको कि सूजन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी. तो वो बोलती है कि क्लोरोफॉर्म नहीं देना सूजन को, मतलब जो वाइफ है जो, कि उनको बोलती है कि मेरे को क्लोरोफॉर्म नहीं चाहिए अगर ये किसी भी वे में बेबी को हर्ट करेगा. शी इज ऑफुल सेट अप ऑन दिस चाइल्ड टॉक्ड बैक. हर ओल्ड आईज वॉर्म्ड एट अ सडन थॉट. तो जो बहुत ही ज़्यादा वो बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमिंड है कि वो एक बहुत ही हेल्दी बेबी को बेसिकली इस दुनिया में लेके आए. तो वो उनको ऐसे बताती है कि डॉक्टर बैक वो बहुत ज़्यादा सेट है, ऑफुल सेट मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस है कि इस बच्चे को लेके. तो बट फिर वो जब ये बात बताती है तो फिर उनके लाइक आंखों में ऐसे थोड़ी सी वार्म फीलिंग्स आती है कि वो कितना सोच रही है, थोड़ा सा सिंपथेटिक फीलिंग. शी एडेड इन अ लो टोन आई वी आर ऑल आई फैंसी.
और फिर वो धीरे से बोलती है कि हम सभी बहुत ही ज्यादा लाइक सेट हैं इस बच्चे को अच्छे से इस दुनिया में लाने के लिए. ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट. तो ये सुनने के बाद उसे याद आता है कि ठीक है बस मतलब सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ. वो अपने आप को कलेक्ट करता है किसी तरह, मतलब अपने आप को कंपोज करता है इस स्टेट में कि वो अपने काम ढंग से कर सके. तो थोड़े एफर्ट्स डाल के ही गेट्स हिमसेल्फ बैक टू पोजिशन कि वो अब आराम से अपना काम कर पाएंगे. इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट. वो बताते हैं कि अच्छा ठीक है कि जो एनेस्थेटिक होता है वो बेबी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा. हियर द नर्सेज वॉइस वॉज हर्ड कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग. तो यहाँ पर जो नर्स है वो ऐसे टॉप लैंडिंग से उनको चिल्ला के बुलाती है. एंड्रू ग्लांस्ड एट द क्लॉक. तो एंड्रू ऐसे क्लॉक को देखता है विच नाउ शोड 3:30. तो अब 3:30 हो रहे होते हैं, 3:30 और. He rose and went up to the bedroom. तो वो खड़ा होता है बेडरूम में जाता है. He perceived that he might now begin his work. तो फिर वो डिसाइड करता है, अज्यूम करता है कि अब वक्त हो गया कि वो अपना काम स्टार्ट कर दे. An hour elapsed. मतलब एक घंटा ऐसे बिल्कुल पास कर जाता है. Elapsed मतलब चला जाता है, बीत जाता है. It was a long, harsh struggle. तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा और बुरा, हार्श मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला स्ट्रगल था. स्ट्रगल मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई. Then as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born, lifeless. तो जैसे ही डॉन होने लगा, लाइक सुबह होने लगी, तो जो फर्स्ट स्ट्रीक्स आती है, कुछ रेज आती है डॉन की, कि थोड़ी थोड़ी सनशाइन आ रही है. तो जैसे ही एजेस पे ब्लाइंड्स मतलब जो पर्दे होते हैं, ब्रोकन एजेस ऑफ द ब्लाइंड्स, जैसे जो पर्दे होते हैं तो उसके जो एजेस होते हैं वो ब्रोकन थे. तो उस पर जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो तभी उस वक्त बेबी बॉर्न होता है, पर वो लाइफलेस होता है, बेसिकली स्टिल बॉर्न होता है, मतलब मरा हुआ बेबी होता है. तो अभी तक इस चैप्टर में हमने ये देखा है कि कैसे जो डॉक्टर हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हेल्दी वे में बेबी को भी और माँ को भी, दोनों को अच्छे से ऑपरेशन क्लियर करे, उनका जो मेन डिलीवरी का पर्पस है वो अच्छे से करे. तो हमने अभी तक का प्रोसेस देखा है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी टू डिलीवर द बेबी. बट देन बाय द टाइम बेबी एक्चुअली डिलीवर होता है तो हम देखते हैं कि बेबी लाइफलेस है, मतलब स्टिल बॉर्न है. तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर और हाउ ही ब्रिंग्स द बेबी बैक टू लाइफ. एज ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रू. तो जैसे ही बेबी को देखते हैं तो उनके एकदम हॉरर से, मतलब डर से, वो कपकपा जाते हैं, बिल्कुल शिवर कर जाते हैं. शिवर मीन्स कांपना, हॉरर मीन्स बहुत ज्यादा डरावना कुछ होना. आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड. वो सोचते हैं कि मैंने इतना सब कुछ मतलब पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था. हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सर्शंस. और फिर उनकी जो शक्ल होती है वो बिल्कुल इतना ज़्यादा हीटेड लग रहा होता है क्योंकि वो खुद भी बहुत ही एक्सर्टेड होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा थके हुए होते हैं इतना सब कुछ करने के बाद, और वो बहुत ही स्ट्रेस्ड होते हैं. चिल्ड सडनली. तो अचानक से जो उनका जो हीटेड फेस होता है वो चिल हो जाता है, बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, बिकॉज ही इज सो शॉक्ड एंड उनको इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं. He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate the child. तो वो hesitate करते हैं, मतलब ऐसे हिचकिचाते हैं, torn between his desire, मतलब वो बिल्कुल दर्द में है और कोशिश ही नहीं करना चाहते, वो डरे हुए इतना ज़्यादा कि वो करे भी कि नहीं attempt resuscitate करने का child को, मतलब किसी तरह से to bring the life back into the child. कोई एक process होता है कि किसी तरह उस बच्चे की फिर भी जान बचाई जाए, बट वो करने से भी डर रहे थे. And his obligation towards the mother. और फिर साथ के साथ उन्हें ये भी देखना था कि उनके कुछ responsibilities थी उनकी mother के, मतलब जो baby की mother है उनके towards, who was herself in a desperate state. और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा desperate, like नाजुक सी state में थी. The dilemma was so urgent he did not solve it consciously. तो इतना ज़्यादा dilemma, मतलब ऐसा situation जहाँ पे कुछ choose करना हो और वो बहुत ही difficult हो, like एक decision लेना, was so urgent he did not solve it consciously. वो इतना ज़्यादा urgent था, इनके सामने इतना ज़्यादा बड़ा dilemma आ गया, इतनी बड़ी दिक्कत आ गई कि वो उन्हें इतना ज़्यादा urgent था वो कि वो solve नहीं कर पाए अच्छे से. Blindly, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Susan Morgan. तो वो उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, वो इतना ज़्यादा मतलब उलझ गए अपने dilemma में कि वो बिना सोचे समझे consciously, मतलब बहुत ही सोच समझ के कुछ करना, बट उन्होंने कॉन्शियसली नहीं किया, उन्होंने ब्लाइंडली किया, मतलब बिना सोचे समझे किया, इंस्टिंक्टिवली किया कि उनके अंदर से अगर उन्हें लग रहा है कि पहले माँ को बचाना चाहिए तो वो ही डिड दैट. तो इसीलिए उन लोगों ने पहले ये किया कि उन्होंने अपनी जो बेबी जो स्टिल बॉर्न है उसको नर्स को पकड़ा दिया और फिर वो मुड़ गए सूजन मॉर्गन के पास जो मदर थी बेबी की.
हु नाउ ले कोलैप्स्ड. तो वो जो मदर थी वो भी ऐसे बिल्कुल लेटी हुई थी कोलैप्स्ड, मतलब कि उनमें एनर्जी नहीं है, वो बिल्कुल लाइफलेस पड़ी हुई है, बट वो जिंदा है ऑलमोस्ट पल्सलेस, बट उनमें पल्स भी नहीं चल रही, ऑलमोस्ट वो मरने की वॉच पे. एंड नॉट येट आउट ऑफ द एथर अपॉन हर साइड, मतलब उन्हें जो एथर दिया था, एथर इसलिए दिया जाता है ताकि जो माँ है वो बेहोश हो जाए, सो दैट उन्हें ज़्यादा दर्द ना हो. तो एनेस्थेटिक मीनिंग मतलब उनको दर्द कम हो इसलिए दिया गया होगा. तो उनके अभी भी अंदर एथर काफ़ी है, तो इस वजह से वो कोलैप्स होके लेटी पड़ी है. हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, तो उन्होंने बहुत ही हेस्ट मतलब कुछ जल्दी जल्दी करना, तो वो बहुत ही डेस्परेट था, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और उन्होंने ज़्यादा सोचे समझे कुछ नहीं किया, वो जितनी जल्दी हो सकता था उन्होंने जल्दबाजी में कुछ भी किया. अ फ्रांटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ, तो फ्रांटिक रेस होता है, फ्रांटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी उछल उछल के, बहुत ही जितना तेज हो सके उस तरह से उन्होंने बेसिकली एक तरह की रेस करी अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ. एबिंग का मतलब होता है कि जो धीरे धीरे जा रही हो, मतलब धीरे धीरे डिप्लीट हो रही हो. तो एबिंग स्ट्रेंथ मतलब उन जो औरत है यहाँ पे सूजन मॉर्गन है, जो माँ है, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे जा रही थी, तो इस वजह से उन्होंने बहुत डेस्परेटली एक्ट किया. इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्प्यूल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन. तो उनको बस एक सेकंड लगा ये सोचने में कि एक एम्प्यूल लेते हैं, उन्होंने एम्प्यूल लिया, ग्लास एम्प्यूल, और उनको इंजेक्शन में डाल के उनको लगा दिया. देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वॉक्ड अनस्पेयरिंगली टू रिस्टोर द फ्लैसिड वुमन. तो उन्होंने सिरिंज में हाइपोडर्मिक डाला, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तमीज़ से अच्छे से काम किया ये करने के लिए कि रिस्टोर कर दे वापस से उस नाजुक वुमन को. यहाँ अनस्पेयरिंगली का मीनिंग है कि बहुत ही मर्सीलेसली उन्होंने पूरी जान लगा दी, और वो बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखा रहे थे, वो जितना हो सकता है जितनी जान लगा सकता उन्होंने दिखाई. उसके बाद फ्लैसिड का मीनिंग होता है कि बहुत ही ज़्यादा लूज, जैसे कोई औरत जिसमें जान नहीं है, तो फिर वो बिल्कुल ऐसे हल्की सी लग रही थी, बहुत ही लूज लूज लग रहा था सब कुछ. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फीवरिश एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथेंड, तो फिर कुछ मिनट्स थे जब उनको मतलब ऐसे फीवरिश एफर्ट्स मतलब हल्के हल्के एफर्ट्स दिख रहे थे उनके टॉर्च से, फाइनली मतलब उनके हार्ट में थोड़े बहुत एफर्ट्स दिख रहे थे, फाइनली उनका जो हार्ट है स्ट्रेंथेंड, मतलब उसमें से अच्छी सी पल्स आई. ही सॉ दैट ही माइट सेफली लीव हर, तो उन्होंने देखा कि अब माँ ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं उनको सेफली लीव कर सकता हूँ, मतलब छोड़ सकता हूँ, एंड आई कैन गिव माई अटेंशन टू द बेबी. ही स्वंग अराउंड इन हिज शर्ट स्लीव्स, हिज हेयर स्टिकिंग अप टू द डैम्प ब्राउ. तो फिर वो एकदम से मुड़ते हैं, तो जब वो मुड़ रहे होते हैं तो उनके जो बाल होते हैं वो उनके फोरहेड पे चिपके होते हैं, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल ऐसे पसीने से डैम्प हो रहे होते हैं, क्योंकि उनके फोरहेड पे बहुत पसीना होता है. ब्राउ मतलब फोरहेड. फिर वो पूछते हैं कि वेयर इज द चाइल्ड, कि बच्चा कहाँ है. द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर, और मिडवाइफ जो होती है, जो नर्स होती है, वो बहुत ही डरी हुई होती है, फ्राइटेंड होती है, तो वो एक ऐसे जेस्चर दिखाती है, हाथ से इशारा करती है. शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड, तो बेड के नीचे उन्होंने बेबी को रख दिया होता है. इन अ फ्लैश एंड्रू नेल्ट डाउन फिशिंग अमंग द सॉडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड. तो एक सेकंड में ही जैसे एंड्रू को पता चलता है कि बेबी बीच बेड के नीचे है, तो फिर तभी वो नील करता है, मतलब झुकता है नीचे, उसके बाद ऐसे ढूंढने की कोशिश करता है, मतलब फिशिंग मतलब ढूंढने की कोशिश करता है सॉडन न्यूज़पेपर से, मतलब थोड़े गीले गीले न्यूज़पेपर से बिलो द बेड. तो वहाँ पे वो ढूंढ रहा है. ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, फिर उसको न्यूज़पेपर्स के बीच में बच्चा मिलता है, अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड. तो एक लड़का होता है, छोटा सा बेबी बॉय होता है, और वो परफेक्टली फॉर्म्ड होता है, कम्प्लीटली अच्छे से हेल्दी बेबी दिखने में तो लग रहा होता है. द लिम्स वॉर्म बॉडी वॉज वाइट, द लिम्प वॉर्म बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट एज टैलो. तो जो बेबी होता है वो लिम्प होता है, मतलब बहुत ही स्टिफ होता है. जब अगर कुछ लाइफलेस होता है तो वो चीज़ बहुत ही स्टिफ हो जाती है, और उसका जो वॉर्म बॉडी होता है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है और सॉफ्ट होता है, जैसे कैंडल का कुछ बनाते हैं जिसको कहते हैं टैलो, मतलब वो एनिमल स्किन से मिलता है और वो सब कैंडल्स और सोप में यूज होता है, तो वो बहुत ही ऐसे गिलगिला सा लग रहा होता है, बेसिकली लाइक अजीब, वेरी वेट एंड सॉगी. द कॉर्ड हेस्टिली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम. तो जो मदर्स का अम्बेलिकल कॉर्ड होता है तो वो ऐसे स्लैश किया होता है, मतलब काटा होता है बहुत ही रूथलेसली, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिना किसी मौसी के, तो वहाँ पे ऐसे ब्रोकन स्टेम की तरह पड़ा होता है. द स्किन वॉज ऑफ अ लवली टेक्स्चर, स्मूथ एंड टेंडर. तो बेबी का जो स्किन होता है वो बहुत ही स्मूथ होता है, बहुत ही लवली टेक्स्चर होता है उसका, बहुत ही टेंडर मतलब नाजुक. द हेड लॉल्ड ऑन द थिंग नेक, और उनका जो हेड होता है वो ऐसे वॉबल कर रहा होता है, मतलब यहाँ वहाँ हिल रहा होता है. लॉल्ड मतलब वॉबल करना थोड़ा बहुत उनके थिन नेक पे. द लिम्स सीम्ड बोनलेस, और जो लिम्स होते हैं मतलब जो थाइस वगैरह लेग्स के पार्ट होते हैं वो बोनलेस लग रहे थे, कि उनके उसके अंदर हड्डी ही नहीं है. स्टिल नीडिंग एंड्रू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्राउन. तो जो एंड्रू है वो अभी भी नील करके बैठे हुए हैं,
और वो बिल्कुल स्टेयर कर रहे हैं बच्चे को। हैगर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट होके और बहुत ही ज्यादा लाइक डिसअपॉइंट होके किसी चीज को देखना, और फ्राउन होता है कि उनके फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन है कि वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है और बहुत ही ज्यादा उदास है और गुस्से में है थोड़ा बहुत, कि डिसप्लीज्ड है अपने आप से। तो वो एंड्रू के अंदर इस टाइप की फीलिंग्स है जब वो उस बेबी को, लाइक लाइफलेस बेबी को स्टेयर कर रहे होते हैं। द वाइटनेस मेंट ओनली वन थिंग, तो जो देखते हैं कि बेबी बहुत ही ज्यादा वाइट है, तो उसके बाद उनको लगता है कि दो बात, एक ही चीज हो सकती है, एस्फिक्सिया और पैलिरा एंड इन एंड हिज माइंड। तो वो सोचते कि ये कुछ बीमारियां हैं, तो यही हो सकता है उसका रीजन। यहाँ पे जो पैलिडा है वो ऐसा एक स्टेट होता है जिसमें ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है अंदर से। तो फिर वो सोचते हैं कि अननेचुरली टेंस रेस्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन द समैरिटन। तो उनको अचानक से ऐसे याद आता है, वो बहुत ही चिंतित तो है अननेचुरली, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चिंतित है, बट फिर उनके दिमाग में अचानक से ऐसा एक केस आता है कि उन्होंने देखा था कि समैरिटन में एक ऐसा केस हुआ था टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड। तो उनको ट्रीटमेंट उसकी याद आती है, इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट। तो उनको जैसे याद आता है वो अपने फीट पे खड़े होते हैं, फिर बोलते हैं गेट मी सम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। तो बोलते हैं कि मेरे को ठंडा पानी ला के दो और गर्म पानी भी ला के दो। ही थ्रू आउट टू द नर्स, तो वो उसको बोलता है नर्स को कि जल्दी से जाके लेके आओ, एंड बेसिन टू क्विक क्विक। तो बोलते हैं कि जल्दी से भाग भाग के ले आओ, बहुत जल्दी लाना। बट डॉक्टर्स शी फ्लैटर्ड हर आईज ऑन द पैलिड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बट फिर वो बोलती कि ये बेबी ऑलरेडी मर चुका है, तो इस वजह से, मतलब वो ऐसे बोलती डॉक्टर सुनिए, बट देन वो ऐसे अपनी जो आईज है उसको ऐसे बेबी की तरफ इशारा करके दिखाती है। फॉल्टर्ड का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो अचानक से थोड़ा सा अटक गई, और पैलिड बॉडी मतलब कि लाइफलेस बॉडी, पेल सा फेस लगे, बिल्कुल ही कलरलेस लगे, वो होता है पैलिड। फिर जो डॉक्टर है वो चलाते हैं कि क्विक कि लेके आओ। फिर स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट एंड बिगन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो बेबी को एक ब्लैंकेट स्नैच करते हैं पहले, उसके बाद उसके ऊपर बेबी को लिटाते हैं, उसके बाद अपने रेस्पिरेशन का मेथड उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। द बेसिन्स अराइव्ड, तो जो बेसिन्स होते हैं उसको वो लेके आ जाती है नर्स। योवर होता है एक बड़ा सा जग जिसका माउथ जो होता है ऊपर से वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसपे पानी कैरी किया जाता है। फ्रांटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन, तो वो बहुत ही जल्दी जल्दबाजी में उन्होंने स्प्लैश किया कोल्ड वाटर को, मतलब ठंडा पानी डाला एक जग में। तो जैसे उन्होंने एक बेसिन में डाल दिया है पानी कोल्ड वाला, मतलब ठंडा वाला, इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बेयर। और एक बेसिन में उन्होंने बिल्कुल गर्म पानी डाला, इतना गर्म पानी कि उनका हाथ जितना मतलब झेल पा रहा है उतना गर्म उन्होंने पानी डाल दिया। देन लाइक सम क्रेजी जगलर ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, तो बिल्कुल ऐसे जगलर की तरह, मतलब जो ऐसे जगल नहीं करते सामान जैसे ऑरेंजेस वगैरह, वैसे ही उन्होंने बच्चे को लिया और उसको बहुत ही जल्दी दोनों में ऐसे ऐसे डालने लगे। द टू नाउ प्लंजिंग इट इनटू द आइसी नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, तो एकदम बिल्कुल ठंडे में डाल रहे हैं एक मिनट के लिए, और फिर उसके बाद बिल्कुल गर्म गर्म स्टीम वाले पानी में डाल रहे हैं। 15 मिनट्स पास्ड, स्वेट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रूज आइज, और वो इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, तो 15 मिनट हो गए, उसके बाद जो स्वेट है उनके आंखों तक आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा वो पसीने में कि वो उनके फोरहेड से एंड्रू की आंखों में आ रहा है, ब्लाइंडिंग देम, और उसकी वजह से वो मतलब देख नहीं पा रहे। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन ड्रिपिंग, तो उनका जो एक स्लीव था उन्होंने पीछे का रखा था, तो वो बिल्कुल पानी में घुस जाता है और वो बिल्कुल पानी में ड्रिप होने लगता है। हिज ब्रेथ केम पैंटिंग, तो वो बिल्कुल ऐसे हाफने लग गए, बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, बट जो बेबी का चाइल्ड का बॉडी होता है उसमें से कोई ब्रेथ नहीं था, कोई ब्रेथ नहीं आ रहा था। अ डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, अ रेजिंग होपलेसनेस, तो बहुत ही ज्यादा ऐसे डेस्परेट सा डिफीट का फीलिंग आने लगा उनके अंदर, और बहुत ही ज्यादा होपलेस हो गए वो। रेजिंग मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम और होपलेस फील होने लगा उन्हें बहुत ही ज्यादा, कि अब उनके पास कोई आशा ही नहीं बची थी। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार्क कॉन्स्टर्नेशन, तो इसका मतलब है कि वो जो मिडवाइफ थी उनको बहुत ही ना ध्यान से देख रही थी, बहुत ही ज्यादा सिवियर तरह से देख रही थी, एक्सट्रीम तरह से देख रही थी, बिल्कुल ऐसे बैर लग रहा था उनका फेस। कॉन्स्टर्नेशन मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, मतलब पूरी ध्यान से देखना, बट वो साथ के साथ ही बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और अंदर से कांप रही है, अंदर से बहुत फ्राइटेंड है कि आगे क्या होगा। वेल देयर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर शी हैड ऑल द टाइम रिमेंड, और वो वहीं पे जहाँ पे पीछे खड़ी थी वो वहीं से खड़े खड़े सब कुछ देख रही हैं। हर हैंड प्रेस टू हर थ्रोट अटरिंग नो साउंड, हर आईज बर्निंग अपॉन हिम, तो उनके जो हाथ है उनके थ्रोट पे है प्रेस करके, मतलब उन्होंने अपने आप हाथ रखा हुआ है वहाँ पे और कोई आवाज नहीं निकाल रही वो, और बस वो बर्निंग आईज है उनकी, मतलब वो बस बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही है, वो आंखें भी नहीं झपक रही।
वॉज द ओल्ड वुमेन, जो हमारी ओल्ड वुमेन है वो वैसे देख रही थी। ही रिमेम्बर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, तो उसने सोचा, तब उसको याद आने लगा कि उनकी जो इतना वो इतने टाइम से वेट कर रही थी कि उनको एक ग्रैंड चाइल्ड मिले, एज ग्रेट एज हैड बिन हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड। तो वो सोचते कि जो मतलब जो मदर है वो कितने टाइम से ग्रैंड चाइल्ड को मतलब लॉन्ग कर रही थी, मतलब वो चाहती थी कि उनका एक ग्रैंड चाइल्ड हो, जितना हमारी जो मदर है ऑन द बेड, जो जिनका बेबी अभी स्टिल बॉर्न हुआ है, वो उनको कितने ज़्यादा चाहिए था कि उनको भी चाइल्ड चाहिए। ऑल डैश्ड अवे नाउ, फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी। तो ये सारी जो होप्स एंड ड्रीम्स थे वो सब कुछ डैश कर गए, मतलब ख़त्म हो गए, टूट गए। फ्यूटाइल मतलब इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि अब रेमेडी ही नहीं हो सकता, मतलब उसको कुछ ठीक ही नहीं कर सकता। यहाँ फ्यूटाइल का मतलब है कि पॉइंटलेस, लाइक कुछ करना अभी मतलब फ़ायदेमंद था ही नहीं, यूजलेस था। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस, स्टम्बलिंग ओवर अ सॉपिंग टावल, एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड। तो जो अब जो हमारा फ्लोर है वो उस पर इतना ज़्यादा पानी गिरा हुआ है कि वो बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सब कुछ गीला गीला था, मैस हुआ पड़ा था। तो गिरते पिटते ये हुआ कि सॉपिंग टावल था, एक गीला टावल था जिसके ऊपर एंड्रू ने पैर रखा, तो वो ऑलमोस्ट वो गिरने वाले थे और उनके हाथ से बच्चा भी गिरने वाला था। विच वॉज नॉट वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, तो विच वॉज नाउ, तो बेसिकली जो बेबी है अब वो इतना ज़्यादा गीले हो चुके हैं कि वो ऐसे स्लिपरी फिश की तरह लग रहे हैं, वाइट फिश की तरह लग रहे हैं। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर वी इम्पोर्ट द मिडवाइफ, तो जो नर्स है वो ऐसे उनको बोलती कि नहीं अब रुक जाओ, इट्स स्टिल बॉर्न, वो कहती कि अब ये मर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, तो अब आप और मत करो कोशिश। एंड्रू डिड नॉट हीड हर, एंड्रू ने उनकी बात नहीं सुनी, बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, और वो अपने आप को लाइक वो बिल्कुल थक गए हैं, बीटन मतलब अंदर से थक गए, डिस्पेयरिंग मतलब उनके दिल में दर्द हो रहा है सब सोच के, वो बहुत ही रिग्रेट कर रहे हैं, उनको अंदर से बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग्स आ रही है। हैविंग लेबर्ड इन वेन कि मतलब उन्होंने इतनी कोशिश करी, लेबर्ड मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट डाला पर वो सब कुछ फालतू हो गया, इन वेन मतलब फालतू में चला जाना, और वो आधे घंटे से वो बेबी को एक बेसिन में से दूसरे में डाल रहे थे सो दैट इट वर्क्स। ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट एफर्ट, तो वो फिर से अभी भी काम कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, मतलब अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। रबिंग द चाइल्ड विद अ रफ टावल, तो फिर एक रफ टावल लेते हैं, वो बेबी को पीछे से उसके बैक पे रफ टावल से उसको रब कर रहे हैं। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, तो वो बेबी के चेस्ट पे ऐसे अचानक से ऐसे वेट डाल रहे हैं थोड़ा सा टावल के थ्रू अपने हाथ से, और फिर उसको छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ट्राइंग टू गेट ब्रेथ इन टू द लिम्प बॉडी, तो थोड़ी सी हवा डालने की कोशिश कर रहे हैं उसकी लिम्प बॉडी में। And then, as by a miracle, the pygmy chest which his hands enclosed gave a shot. तो अचानक से ऐसे miracle होता है, मतलब एक चमत्कार होता है कि जो छोटा सा pygmy सा chest है उसमें से ये होता है कि उनके जो हाथ है उसके बीच में वो baby है, तो अचानक से उसमें gave a shot, वो baby अचानक से थोड़ी सी सांस लेता है। Gave a short convulsive heave, तो उसमें एक ऐसे short सा convulsive सा heave होता है, मतलब वो हिलता है थोड़ा सा, जैसे spasm करता है, जो कि सा अचानक से वो हिलता है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको पता चलता है कि हार्ट बीट वापस आ रही है, तो another, फिर बार बार ये हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी उसको फील होने लगती है कि मतलब अब ब्रेथ लेना स्टार्ट कर रहा है बेबी। तो एंड्रू जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया टू अ पॉइंट कि वो अपने आप को कंपोज नहीं कर पा रहा, वो इतना खुश हो गया है, वो इतना एक्साइटेड हो गया है। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल दैट अनवेलिंग स्ट्राइविंग, तो ये जो सेंस है लाइफ का कि एक लाइफ को तुम दुनिया में ला रहे हो, स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, उनके फिंगर्स के बिल्कुल नीचे, और इतने ज़्यादा स्ट्राइव करने के बाद, मतलब इतनी कोशिशों के बाद, वो सो एक्सक्विजिट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, वो इतना ज़्यादा एक्सक्विजिट था, मतलब इतना डिफरेंट था, इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था कि वो फेंट हो गए, वो ये सब झेल नहीं पाए, वो ओवरवेलम हो गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एफर्ट्स को डबल कर दिया फीवरिशली, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, तो अब जो चाइल्ड है अब वो सांस लेने की काफ़ी कोशिश कर रहा है कि वो गैस्प कर रहा है, कि वो कोशिश कर रहा है कि वो लंबी सी सांस ले, डीपर एंड डीपर, तो वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है। अ बबल ऑफ म्यूकस केम आउट फ्रॉम वन टाइनी नॉस्ट्रल, तो एक छोटे से उसके नाक से थोड़ा सा म्यूकस निकला, मतलब नोजी निकली। अ जॉयफुल इरिडेसेंट बबल, तो एक वो बबल की तरह बाहर निकला। इरिडेसेंट का मतलब कि ऐसा कुछ जिसमें से बहुत सारी कलर्स दिख रहे हो, मतलब हर एंगल से एक डिफरेंट कलर दिखेगा। The limbs were no longer boneless. तो जो limbs थे वो boneless नहीं लग रहे थे क्योंकि अब उनमें जान आ गई अचानक से। The head no longer lay back spinelessly. और अब जो head है उनका वो ऐसे यहाँ wobble नहीं करेगा क्योंकि अब उसमें spine है,
तो स्पाइनलेसली मतलब बिना स्पाइन के, बिना बैकबोन के, ऐसा नहीं है कि वो उनमें जान नहीं है तो इसलिए वो गिरे जा रहे हैं. द ब्लांच्ड स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, तो जो उनकी पेल स्किन थी वो अब धीरे धीरे पिंक कलर की हो रही थी. देन एक्सक्विजिटली केम द क्राई, फर्स्ट क्राई ऑफ द चाइल्ड, तो उसके बाद फिर अचानक से बेबी पहली बार ही रोने लगता है. और जो ये फर्स्ट क्राई थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ट फेल्ट थी, मतलब बहुत ही सुंदर था और बहुत डेलिकेट था. डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, तो वो डियर फादर इन हेवन बोलती कि जो लाइक वो भगवान को याद करती है, उसके बाद बोलती है मतलब साथ के साथ वो रोने लगती है हिस्टेरिकली, मतलब बहुत जोरों से रोने लगती है. वो बहुत ही ज्यादा हिस्टेरिकल लग रहा होता है, कि बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस एंड प्रोमिनेंट लग रहा होता है. इट्स कम अलाइव, वो बोलती है कि बेबी इज अलाइव नाउ, तो शी इज वेरी हैप्पी. एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, तो एंड्रू जो है वो बेबी को देता है उसको पकड़ने के लिए. ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, और वो उस पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा वीक होता है. डेज्ड मतलब बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है कि वो कुछ करना नहीं, मतलब कर नहीं पा रहा होता. अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, और फिर जो रूम होता है वो बिल्कुल शडरिंग लिटर की तरह होता है. वहाँ पे ब्लैंकेट्स पड़े होते हैं, टॉवल्स पड़े होते हैं, बेसिन पड़ा होता है, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं, द हाइपोडर्मिक सिरिंज पड़ा होता है इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोलियम. तो मतलब इन सब चीजों को ये डिस्क्रिप्शन दी हुई कि किस तरह से जो रूम था वो बहुत ही ज्यादा बिखरा हुआ था. शटरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, मतलब शेक करने वाला, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग ही लेवल पे लिटर होता है वहाँ पे, मतलब बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप होता है वो रूम. उसके बाद यूवर नॉक्ड ओवर द केटल ऑन इट्स साइड इन द पडल ऑफ वाटर, तो जो यूवर होता है, वो जग होता है, वो जो केटल होता है, सब कुछ ऐसे पडल ऑफ वाटर में मतलब जमीन पे गिरा हुआ होता है. अपॉन द हडल बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड अवे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक, तो उनकी जो मदर है उनको कोई आइडिया नहीं, क्योंकि उनके पास मतलब उनको एनेस्थेटिक दिया गया था, तो फिर उनको कोई आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है, तो वो बेड पे लेटी हुई है. द ओल्ड वुमन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, तो जो ओल्ड वुमन होती है वो अभी भी वॉल के पास खड़ी है. बट हर हैंड्स वर टुगेदर, हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, शी वॉज प्रेइंग, तो जो ओल्ड वुमन होती है वो बस एक कोने में खड़े होके उनके हाथ जोड़ के, उनके जो लिप्स होते हैं वो बस बिना कुछ आवाज निकाले बस प्रेयर्स बोल रहे थे. मैकेनिकली एंड्रू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट, तो एंड्रू ने ऐसे प्रोसेस के हिसाब से बस अपनी जैकेट पहनी, अपने स्लीव्स पीछे करे. आई फेच माई बैग लेटर नॉस, तो वो बोलते कि मैं अपना बैग बाद में लेके आऊँगा. तो वो बोलते हैं, उसके बाद ये बोलने के बाद वो नीचे चलते हैं, नीचे जाते हैं, और उसके बाद जाते हैं वो किचन की स्कलरी में. स्कलरी इज द प्लेस जहाँ पे डिशेज वगैरह वॉश करते हैं, तो उनके जो लिप्स होते हैं बिल्कुल ड्राई होते हैं. वो जाते हैं स्कलरी के पास, वहाँ पे जाके एक पानी का थोड़ा सा पानी निकालते हैं वॉश बेसिन से और पीते हैं. ही रीच्ड आउट फॉर हिज हैंड एंड कोट, और फिर वो अपना हैट और कोट लेते हैं. आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस एक्सपेक्टेंट फेस, और फिर वो बाहर निकलते तो देखते कि जो ऐसे बहुत ही ज्यादा टेंस और एक्सपेक्टेंट फेस बना के खड़े हैं. तो बोलते ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट, तो बोलते कि दोनों ठीक है, दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है. इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock, तो अभी लाइट हो गई थी, मतलब रोशनी हो गई थी अब, क्योंकि 5 बज रहे थे सुबह के. अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट, तो कुछ लोग ऑलरेडी स्ट्रीट पे थे. द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, तो नाइट शिफ्ट के कुछ लोग जैसे जा रहे थे. एज एंड्रू वॉक्ड विद देम स्पेंट एंड स्लो, तो जैसे एंड्रू चल रहे थे बहुत ही धीरे धीरे, मतलब स्पेंट मतलब एग्जॉस्टेड, मतलब बहुत थके हारे और धीरे धीरे. हिज फुटस्टेप्स फुटफॉल्स एकोइंग विद अदर्स अंडर द मॉर्निंग स्काई, तो बाकी लोगों के साथ उनके जो फुटस्टेप्स थे वो सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, साथ साथ उनकी आवाज़ आ रही है मॉर्निंग स्काई के नीचे. ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, तो वो बिना सोचे मतलब बस वो सोच रहे हैं, उन्होंने आजू बाजू कुछ देखा नहीं, बस वो अपने सोच में खोए हुए हैं. ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लाइंडली, उसको कुछ भी नहीं याद, मतलब वो कुछ भी ऑब्लिवियस, मतलब ना किसी चीज़ को कंसिडर करना, ना किसी चीज़ के बारे में जानना, तो बिना जाने वो बस लाइक जितना भी काम किया उन्होंने जाके ब्लाइंडली में अभी तक, उन सब चीज़ों के बारे में वो कम्प्लीटली उनको कंसिडर ही नहीं करते. आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, तो फाइनली ये करने के बाद उन्हें फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है कि अब मैंने फाइनली अपनी लाइफ के साथ कुछ किया है, मैंने फाइनली एक बच्चे की जान बचाई है. और उसके बाद उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है अंदर से कि एज अ डॉक्टर इवन ही हैज अकॉम्प्लिश्ड, कि उन्होंने एक स्टिल बॉर्न बेबी को रिवाइव कर दिया, मतलब जिंदा कर दिया, और उन्होंने साथ के साथ उनकी मदर को भी बचाया, बेबी को भी बचाया, जबकि दोनों खतरे में थे. तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे एक असिस्टेंट डॉक्टर ने किसी तरह जान बचाई बेबी की भी,
और उनके मदर की भी, और हमें पूरा का पूरा प्रोसेस दिखता है कि कैसे बेबी पहले स्टिल बॉर्न है और उसके बाद धीरे धीरे उनको किस तरह से रिवाइव किया जाता है. थैंक यू, दैट इज इट फॉर द चैप्टर.